सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म दिल बेचारा का थ्रिलर रिलीज हो चुका है। इस फिल्म को सुशांत के सुसाइड के बाद से ही जबरदस्त चर्चा मिल रही है। कई फैंस के साथ ही साथ स्लैब्स भी सुशांत को ट्रिब्यूट देने के लिए ज्यादा से ज्यादा फिल्म के ट्रेलर को देख रहे हैं। यही कारण है कि इस फिल्म के ट्रेलर ने अपनी रिलीज के पहले ही दिन एक अनूठा रिकॉर्ड बना लिया। दरअसल सुशांत की फिल्म के ट्रेलर को अब तक YouTube पर सबसे ज्यादा लोगों ने लाइक किया है, और बड़ी बात तो यह है कि दुनिया की कोई ऐसी फिल्म नहीं है जिसको इतने लाइक मिले हों। यहाँ तक कि लाइक्स के मामले में दिल बेचारा के आसपास भी कोई नहीं है। माना जा रहा है कि यह संख्या और भी बढ़ सकती है। लिहाजा दोस्तों आपको बताते हैं उन फिल्मों के बारे में जिनके ट्रेलर को इस फिल्म ने पीछे छोड़ दिया। दुनिया में लाइक्स के मामले में हॉलीवुड फिल्म एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का बड़ा नाम लिया जाता है। ये एक सुपर हीरो फिल्म है और मार्वल के इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में रॉबर्ट डॉनी जूनियर और स्कारलेट योहानसन जैसे कई दिग्गज सितारे दिखे थे। इस फिल्म ने दुनिया भर में शानदार रिकॉर्ड्स बनाए थे और दिल बेचारा से पहले तक इस फिल्म के पास सबसे ज्यादा YouTube लाइक्स का रिकॉर्ड था। इस फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर को 3.6 मिलियन लोगों ने YouTube पर लाइक किया था। वही एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के सीक्वल एवेंजर्स एंड गेम को भी दुनिया भर में जबरदस्त लोकप्रियता हासिल हुई थी। इस फिल्म के ट्रेलर को 2.9 मिलियन यानी कि 29 लाख लोगों ने YouTube पर लाइक किया था। वहीं अगर भारतीय फिल्मों की बात करें तो साउथ इंडियन सुपरस्टार विजय और सुपरस्टार एक्ट्रेस नयनतारा स्टारर फिल्म विजिल ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन किया था बल्कि इस फिल्म के ट्रेलर ने भी काफी चर्चा हासिल की थी। इस फिल्म के ट्रेलर को 2.3 मिलियन लोगों ने YouTube पर लाइक किया है। इस मामले में बॉलीवुड फिल्मों की बात करें तो फिल्म जीरो की चर्चा रही है। ये शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा और कटरीना कैफ स्टारर फिल्म थी जो साल 2018 के अंत में आई थी। आनंद एल राय के निर्देशन में बनी इस फिल्म में शाहरुख ने एक बौने शख्स की भूमिका निभाई थी। क्योंकि शाहरुख लंबे समय के बाद सिनेमा के पर्दे पर वापसी कर रहे थे, ऐसे में फैंस को इस फिल्म से काफी उम्मीद थी। हालांकि फैंस इस फिल्म के सेकेंड हाफ से काफी निराश नजर आए थे। YouTube पर 2 मिलियन यानी कि 20 लाख लोगों ने इस फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर को लाइक किया था। हालांकि इस फिल्म ने अपने नाम की ही तरह शाहरुख की इमेज भी जीरो ही करके रख दी और उससे वो उबर नहीं पाए। हाल ही में शाहरुख का नाम भी सुशांत के केस में घसीटा जा रहा था क्योंकि उसने मंच से सुशांत को घटिया बताने के साथ ही उसका मजाक बनाया था। इस बात से शाहरुख खान के खिलाफ तगड़ी नाराजगी देखी जा रही है। लाइक्स के मामले में ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ और वाणी कपूर स्टारर फिल्म वॉर का भी बड़ा नाम है जो साल 2019 की ब्लॉकबस्टर फिल्म रही। इस फिल्म के स्टार कास्ट और एक्शन सीन्स ने फैंस को काफी रोमांचित किया था और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ से अधिक की कमाई करने में सफल रही थी। इस फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर को यूट्यूब पर 1.7 मिलियन लोगों ने लाइक किया। लाइक्स के मामले में प्रभु देवा द्वारा निर्देशित फिल्म दबंग 3 का नाम भी आता है जिसमें सलमान खान चुलबुल पांडे का रोल करते हैं। इस फिल्म के ट्रेलर ने भी यूट्यूब पर 1.7 मिलियन लाइक्स बटोरे थे। हालांकि अब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सलमान खान को भी उसका करियर खराब करने के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड में सलमान खान को लोगों के करियर बनाने के बजाय उनको बर्बाद करने के लिए ज्यादा जाना जाता है। हिरण शिकार में हिरण को बेदर्दी से मारने से लेकर फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर कार चढ़ाने का केस भी सलमान पर चल रहा है। साथ ही प्रसिद्ध सिंगर अरिजीत सिंह, विवेक ओबेरॉय समेत कई लोगों के अच्छे खासे करियर को भी सलमान ने बर्बाद करवा दिया था। हालांकि अब सलमान के सितारे गर्दिश में हैं। यूट्यूब पर लाइक्स गेन करने के मामले में फिल्म कबीर सिंह का भी नाम आता है। ये शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी के करियर की सबसे बड़ी फिल्म मानी जाती है और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 300 करोड़ का कारोबार किया था। ये साल 2019 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म में शुमार है। हालांकि इस फिल्म को काफी विवादों का भी सामना करना पड़ा था। इस फिल्म के ट्रेलर को 1.4 मिलियन लोगों ने YouTube पर लाइक किया था।